जय श्री राम दोस्तों, दशहरा की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही है कि कुलाबा नेवी नगर मुंबई में हमारी रामलीला चल रही थी। आज रावण के पुतला का दहन है, दशहरा वाले रावण पुतला दहन होता है, जो अभी सूर्यदेव अस्त होंगे उसके बाद पुतला दहन होगा। जैसे कि मैंने कल एक वीडियो में दिखाया था कि पुतला की तैयारी चल रही है रावण के की, आज दिखाता हूँ आपको रावण का पुतला। देखिए ज़रा बड़ा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत है। अभी हमारे टेक्निकल डायरेक्टर साहब महेश गुड़ियाल साहब भी चेक करके आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देंगे पूरी तरह से। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आपने बहुत मेहनत की है, कितना अच्छा पुतला बनाया है, बैठ के बात करें। हाँ बिल्कुल बोलिए, बैठिए बैठिए बैठिए। आप क्या कहना चाहते हैं? हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने ये पुतला बनाया है, कितना टाइम लग गया इसे तैयार करने में, लंबाई चौड़ाई कितनी है? कल भी आपने बताया था शायद ये करीब करीब समथिंग 22 फीट के आसपास है। और इसका जो बेस है उस बेस को बहुत मुश्किलों से तैयार किया गया है। और इसमें सब मेन चीज़ क्या है, ये बाण से ही शॉर्ट सर्किट होगा। अच्छा, इस बाण से ही ये जो है पुतला फूका जाएगा। अच्छा। और इसमें कम से कम लगभग जो है 14 क्विंटल का इसमें वेट है। अच्छा। 14 क्विंटल का वेट है ये। अच्छा। इसमें रॉ मेटेरियल जो भी आतिशबाजी वगैरह सारी चीज़ें पड़ गई हैं, तो इसको तैयार करने में हमको 2 दिन लगे। तो 2 दिन लगा तो जिस प्रकार से ये सी के किनारे जो है जलाया जा रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये लंका में ही इसका जो है पुतले का दहन होगा। और ये सनसेट पे इसकी तैयारी की जाएगी और इसमें भगवान राम इसको बाण से इसको ध्वस्त करेंगे। तत्पश्चात जो भी होगा वो कार्यक्रम के दौरान आपको अवगत कराया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। दीपक, ये है कुमकरण साहब, आर बी सिंह सर हैं, कुमकरण का रोल करते हैं और छवि राजा का भी रोल करते हैं और केवट का रोल इन्होंने ही अदा किया था। अभी नेक्स्ट वीडियो में आप इन्हें देख पाएंगे बहुत अच्छे। हाँ कितने? 28 वर्षों से सर कुंभकर्ण का, राजा छवि का, केवट का रोल करते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे कलाकार हैं। उनके बारे में जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अरविंद सिंह सर बोलिए कुछ बोलना चाहिए। ये रावण का पुतला दहन हम क्यों करते हैं? ये पुतला देखिए, ये कि इसलिए कि ये बुराई पर अच्छाई का विजय दिखाया जाता है। रावण पापी था, विद्वान था लेकिन उसके दिमाग सिर थे लेकिन गधे के वो भोजन ढोने के बराबर थे, उसको कोई दिमाग नहीं था। तो इसलिए हम सबको दर्शाना चाहते हैं कि अच्छाई की विजय हमेशा होती है, बुराई का पतन हमेशा होता है, धर्म का हमेशा उत्थान होता है और पाप का पतन होता है। इसलिए बच्चों को बताने के लिए हम रामलीला खेलते हैं और इसका हम करते हैं। सर आइए ना। जय श्री राम। जय श्री राम। सर आज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने 10 दिन हमारी रामलीला देखी। हाँ सर, एक मिनट आया सर। नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम।